हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल स्टैटिक्स टॉपिक से एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट यानी कि एनटीए में दिसंबर 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या पूछा गया था। बेस्ड ऑन द रैंडम असेसमेंट ऑफ फोर ईयर, द मीन नेट प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ ग्रासलैंड आर 120 जीसी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एंड 4 जीसी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर रेस्पेक्टिवली। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड दिस एस्टिमेट, टी एट 10% इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डीएफ इस 2.353। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मीन दिया है, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और हमें टी की वैल्यू दी है डीएफ इक्वल टू 3। दोस्तों, यहाँ पे डीएफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था जो हमारा 3 था, तो यहाँ पे आप दोस्तों डीएफ इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमें दोस्तों इसमें निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने मेरा वाला न्यूमेरिकल मिस कर दिया हो तो आप इस न्यूमेरिकल में भी वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन। जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू सैंपल मीन प्लस माइनस टी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सैंपल मीन हम डिनोट करते हैं एक्स बार, टी मल्टीप्लायर टी एन माइनस वन से हम डिनोट करते हैं, जो हमारा है स्टैंडर्ड एरर उसको हम लिखते हैं एस डिवाइड बाय रूट एन। एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन है हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ पे एन है हमारा। तो हमें जो जो गिवन है पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें गिवन था मीन 120 जीसी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एस हमें गिवन था 4 जीसी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, टी हमें गिवन था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड हमें गिवन था 4। क्या हमारा जो डेटा असेसमेंट था वो कितने साल के लिए हो रहा है, 4 साल के, तो हमारा एन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम इसे वैल्यूज को पुट कर देंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल में वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू रखेंगे हम 4, और एक्स बार हमारा 120 है, और टी हमारा 2.353, एन की जगह हम रखेंगे 4। उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो है 120 प्लस माइनस 4.06 जीसी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और अगर दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और न्यूमेरिकल का वीडियो सोचना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।